मॉर्निंग बच्चों, क्लास वन में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन थ्री पढ़ा रहे थे। लेसन थ्री जो है आप लोग का समाप्त हो गया है। आज हम उसका आप लोगों को एक्सरसाइज बताएंगे, लेसन थ्री का एक्सरसाइज। तो उसमें जो है आप लोग का क्वेश्चन आंसर जो है लिख करके आप लोग को दे दिया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और जो है बुक में भरने वाला जो है आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए बुक में दिया है फोर है, निम्नलिखित वाक्यों में सब्जेक्ट व प्रेडिकेट बताइए। ठीक है, सब्जेक्ट व प्रेडिकेट को उसमें बताना है आप लोगों को, बुक में दिया गया होगा। तो दिया है, पहला है तुषार। ठीक है, तुषार इज माय ब्रदर, ये एक सेंटेंस है। इसमें जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना है। तो सब्जेक्ट आप लोगों को किताब में दे दिया है और प्रेडिकेट दे दिया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को जिसमें भरिए, प्रेडिकेट को जिसमें भरिए। तो देखिए तुषार इज माय ब्रदर, ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। किसके बारे में कहा जा रहा है? तुषार के बारे में कहा जा रहा है कि माय ब्रदर, ठीक है, तुषार मेरा भाई है। तो ये तुषार क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के विषय में, तो सब्जेक्ट क्या है? तुषार है। तो तुषार के बारे में क्या कहा जा रहा है कि तुषार जो है मेरा क्या है? भाई है, ये कहा जा रहा है। तो इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, ठीक है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब दूसरा है दिस हॉर्स इज ब्लैक, या घोड़ा जो है काला है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? दिस हॉर्स, इस घोड़े के बारे में कहा जा रहा है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, दिस हॉर्स जो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है वो हो गया प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि यह घोड़ा जो है कैसा है? ब्लैक है, इज ब्लैक। जब आपका सब्जेक्ट निकल जाएगा तो जो आपका बचेगा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये सब्जेक्ट हो गया दिस हॉर्स। अब इसके बाद है इज ब्लैक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ठीक है, अब सी है I has many sweets, ठीक है, हमारे पास बहुत मिठाइयां हैं। देखिए हमारे पास किसके बारे में कहा जा रहा है? ये हमारे पास, तो I हो गया सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है? सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो है मिठाइयां हैं। तो यहाँ से हो गया सब्जेक्ट, और जो बचा भाग वो हो गया प्रेडिकेट। तो यहाँ पर लिखेंगे has many sweets, ये क्या हो गया? predicate हो गया। जब subject निकल जाएगा जो बचेगा वो हो जाएगा predicate। अब देखिए D है the cat is white, ठीक है, बिल्ली जो है सफेद है। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? cat के विषय में कहा जा रहा है। the cat क्या हो गया? subject हो गया। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है? इज वाइट, सफेद है। ठीक है, कैट क्या है? सफेद है। तो ये क्या हो गया? इज वाइट जो हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। अभी एक और बचा है, उसको भी आप लोगों को बता रहे हैं। ई बच्चा है, ई है दिस, क्या है? दिस इज हर शर्ट, हर शर्ट या उसकी शर्ट है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट। तो किसके विषय में कहा जा रहा है? दिस, किसके विषय में कहा जा रहा है कि यह उसकी शर्ट है। तो
ये हो गया, दिस हो गया सब्जेक्ट, अब जो बचेगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। यहाँ पे हो जाएगा प्रेडिकेट, हो जाएगा इज हर शर्ट, इज हर शर्ट, ये क्या हो गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आप लोग निकाल लेंगे, जो बचेगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो ये है आपका एक्सरसाइज टू, नहीं एक्सरसाइज थ्री, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज थ्री जो है समाप्त हो गया, ठीक है। इसको जो है आप लोग लिखेंगे, और वो भी जो है कर्सिव लेटर का स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होना चाहिए, ठीक है। उसको साफ से सुंदर से लिखेंगे और उसको जो है लर्न करेंगे। थैंक्स।